हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस कॉलेज का रिव्यू, जानते हैं यहाँ का पेशेंट फ्लो, इनके हॉस्पिटल के बारे में एंड ढेर सारी बातें करेंगे हम यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में, कितना फीस स्ट्रक्चर है, फुल पैकेज कितना है, कट ऑफ, हॉस्टल की फीस, हॉस्पिटल कैसा है, ढेर सारी बातें इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉलेज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक बहुत ही प्यारा मेडिकल कॉलेज है, साथ में जो इसका हॉस्पिटल है वो बहुत ही बढ़िया बताया जा रहा है, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे। एंड बात करूँ इसकी लोकेशन की तो कांबीपुरा कर्नाटका में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है, 2005 में स्टैब्लिश हुआ था एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पे कोर्सेज की बात करूँ तो आपको MBBS, MD, MS कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको करने हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ MBBS के कोर्सेज को ही, मतलब MBBS के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखो अब बात करते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग की, कि राजा राजेश्वरी की ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी है। तो 26th नंबर पे जो इंस्टीट्यूट है वो आता है एंड NRI रैंकिंग में की बात करूं तो 126th नंबर पे आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये 26th नंबर पे आता है पूरे मेडिकल कॉलेजेस में, तो यार देखो एक बहुत ही बढ़िया बात अपने आप में भी है। एंड बात करूं इस मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन की तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से ये एफिलिएटेड है एंड NMC के द्वारा प्रॉपर्ली अप्रूव्ड भी है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर हम एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि NMC के द्वारा एफिलिएटेड है कि नहीं है, तो ये एफिलिएटेड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड बात करूं उसके हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है अगर आप MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो रिसर्च है, आपका जो मतलब सेंटर होगा और जो 5 साल के लिए आपका जहां पे आप सीखेंगे प्रैक्टिकली, तो वो हॉस्पिटल ही माना जाता है। तो इसका जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं वो 1360 अप्रोक्सीमेटली बेड्स बताए जा रहे हैं, तो उसके अनुसार तो ये जो हॉस्पिटल है वो काफी बड़ा हॉस्पिटल है। एंड बात करूं पेशेंट फ्लो की तो 2400 अप्रोक्सीमेटली यहां का पर डे का पेशेंट फ्लो बताया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो अच्छी खासा पेशेंट फ्लो, अच्छा बेड्स है, अच्छी फैसिलिटीज है हॉस्पिटल में, तो देखो अच्छा तो ये है इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए, जरूर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आगे बढ़ते बात करते हैं यहाँ के एडमिशन के बारे में, कि भैया ये सब तो ठीक है समझ गए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, अब एडमिशन कैसे हो सकता है। दो तरीके हैं, एक नीट की काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा, जो कि आपको सबको पता है नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपका अच्छा खासा स्कोर नहीं है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन की जरूरत पड़ती है। अब डायरेक्ट एडमिशन की क्या प्रोसेस है, कैसे आपका एडमिशन होगा, उसके लिए वीडियो में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे MBBS के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, या उनकी फीस, इनका पूरा कोर्स फीस और इनका मतलब हॉस्टल कट ऑफ सारी बातें करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके MBBS कोर्स के बारे में, 4.6 प्लस 1 ईयर का इनका पूरा प्रोग्राम है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, टोटल सीट आपको 250 मिलेंगी एंड टोटल 4.5 इयर्स तक आपको यहां पे फीस पे करनी पड़ेगी। 1 साल आपको फीस नहीं देनी होती, उसमें आपको मे बी इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी मिलता है एंड मे बी फ्री भी हो सकती है। एंड ईयरली फीस की अगर मैं बात करूँ तो 23 लाख पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है पर ईयर की। कोर्स फीस आपकी 1,03,50,000, फुल पैकेज आपका 1,11,37,500 पूरा पैकेज रहने वाला है। हॉस्टल की फीस आपकी 1,75,000 रहेगी। और आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर का इनका जो नीट का स्कोर था राउंड वन का वो था 280 एंड इनका जो मोपअप में स्कोर गया था वो था 253 एंड राउंड टू का 259। तो देखो अब आप लोग सोच रहे होगा कि भैया ये नीट का स्कोर इतना तो हमारा आया नहीं, लेकिन अब हमारा एडमिशन कैसे हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा, वो होगा गेट एडमिशन के थ्रू। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन इजीली करा दें। एंड अब आप इस इंस्टीट्यूट को अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप गेट एडमिशन को कॉल करना बिल्कुल ना भूलें, वो आपका एडमिशन जरूर कराएगा आपके फेवरेट कॉलेज में एंड साथ ही और भी ढेर सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो जरूर कॉल करें गेट एडमिशन को। एंड आगे बढ़ते हुए हम बात करें इनकी कुछ फैसिलिटीज के बारे में, तो देखो फैसिलिटीज यहाँ पे सारी अवेलेबल है आपको यहाँ पे, मतलब अगर कैंपस की फैसिलिटी की बात करूँ तो लश ग्रीन एनवायरनमेंट वाला कैंपस है, अच्छा खासा मतलब बड़ा कैंपस है इनका और बिल्डिंग बहुत ही प्यारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसके अलावा तो देखो आपको फैसिलिटीज आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, कैंटीन और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, आपको लेबोरेटरीज, लैब्स और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी और वाईफाई एनेबल कैंपस, फुल AC क्लासरूम्स एंड आपको यहाँ पे
मतलब ऑडिटोरियम सेमिनार हॉल वगैरह सारी फैसिलिटीज ऑब्वियसली मिलेंगी एंड हॉस्पिटल बहुत ही प्यारा बताया जा रहा है तो वहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि वहाँ के मतलब जो लोकल है वो इसको अफोर्ड ही ना कर पाए। अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा रिसर्च सेंटर है, तो जरूर एक बार अप्रोच करें। हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल में भी आप इसमें एडमिशन जरूर ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस भी नहीं है। बट हाँ, फीस तो यार देखो, फीस का तो कुछ नहीं कह सकते हम, जो इनकी है वही हमने आपको बता दी। एंड आई थिंक इस वीडियो के लिए तक काफी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।